नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों, आप में से अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, फेफड़ों में आपके बलगम इकट्ठा हो गया है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है, तो आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ऐसी मेडिसिन अगर आप में से किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत है तो उसके इस्तेमाल से आपकी जो परेशानी है वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टिसिया अथवा तोडा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जस्टिसिया मेडिसिन होती है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसको भारतीय सिंगी कहा जाता है, एक भारतीय झाड़ी होती है जिसके द्वारा इसकी मेडिसिन को तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो जस्टिसिया मेडिसिन होती है इसका मेन इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर देखने को मिलता है, हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर देखने को मिलता है। अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है किसी प्रकार का तो उसको ठीक करने का काम जस्टिसिया मेडिसिन करती है। या किसी को दोस्तों खांसी की परेशानी है, कफ की परेशानी है, खांसी सूखी हो या फिर बलगम वाली हो, जो बलगम है वो हमारे फेफड़ों में जमा हो गया हो, फेफड़ों में बलगम जमा होने से आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उसको ठीक करने का काम जस्टिसिया मेडिसिन करती है। या किसी को डिस्निया की परेशानी है, आमतौर पर अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी के नाक से बलगम आने की परेशानी हो, गले से बलगम आने की परेशानी हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को इस प्रकार की खांसी है कि जो खुली हवा में पेशेंट रहता है तो उसको खांसी नहीं होती है, जैसे ही वह घर में जाएगा या गर्म कमरे में जाएगा तो उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी खांसी स्टार्ट हो जाती है जैसे जिसको प्रॉक्सिमल कफ कहा जाता है, अगर किसी को खांसी स्टार्ट हो जाए तो उसको आधे घंटे एक घंटे तक लगातार उठती रहती है। दोस्तों, जिसका अगला यूज़ होता है, अगर किसी को होपिंग कफ की परेशानी है, बार्किंग कफ की परेशानी है, जिसको कुत्ता खांसी कहा जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को फिट्स ऑफ स्नीजिंग की परेशानी है, अगर किसी को छींक आ जाए तो उसको घंटों घंटों तक लगातार छींकें आती रहती है, नाक से पानी की तरह बलगम आता है, आंखों से पानी आता है। दोस्तों, जिसका अगला यूज़ होता है, अगर किसी को लॉस ऑफ स्मेल की परेशानी है, किसी भी चीज़ को जो पेशेंट है वह गंध महसूस नहीं कर पाता है, या लॉस ऑफ टेस्ट की परेशानी है, उसका जो मुंह का स्वाद है वो बिल्कुल कड़वा सा हो गया है, या उसको किसी भी चीज़ में स्वाद ही नहीं आ पाता, खाने हो या पानी हो, किसी भी चीज़ में उसको स्वाद नहीं आ पाता है, तो अगर लॉस ऑफ टेस्ट की अगर आपको दिक्कत है तो उसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला यूज़ होता है चेस्ट टाइटनेस। दोस्तों, अगर किसी के सीने में बलगम जमा होने से, फेफड़ों में बलगम जमा होने से किसी को चेस्ट टाइटनेस की परेशानी है, चेस्ट में भारीपन सा है या चेस्ट में हैवीनेस अगर किसी को महसूस हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो इसका अगला यूज़ होता है, किसी को हॉर्सनेस की परेशानी है, गला किसी का बैठ गया है या गले में दर्द की परेशानी है, बोलते समय अगर किसी को गले में दर्द हो रहा है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी के गले से म्यूकस आने की परेशानी है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर सूजन आ गई है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो जस्टिसिया मेडिसिन होती है एक्यूट कैथरल कंडीशन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी को शुरुआत में किसी को खांसी या जुकाम की परेशानी है, जुकाम में छींकों की परेशानी है या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसमें इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जो इसकी डोज है वो 20 ड्रॉप सुबह, 20 ड्रॉप दोपहर और 20 ड्रॉप शाम, दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है तो दिन में 4 से 5 बार भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।